नमस्कार, आप देख रहे हैं एजुकेशन इंडिया और अभी हम बात करने वाले हैं आईपीएल के दूसरे मैच यानी कि चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स के बीच जो मैच आज खेला गया उसके बारे में हम आपको बताएंगे कि मैच का ओवरऑल स्कोर क्या रहा, साथ ही आपको बताएंगे पूरे मैच में किसने कैसा प्रदर्शन किया। तो आपको बता दें, दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का यह फैसला लिया। गेंदबाजी करने का फैसला गलत साबित होता नजर आ रहा था क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स ने शानदार बल्लेबाजी की और 20 ओवर के अंदर 7 विकेट खोकर 188 रन बना दिए, यानी कि अब जीतने के लिए दिल्ली कैपिटल्स को 189 रन बनाने थे। लेकिन दिल्ली कैपिटल्स की ओर से शानदार ओपनिंग की गई शिखर धवन और पृथ्वी शो द्वारा, जिसके कारण आसानी से दिल्ली कैपिटल्स इस मैच को जीत गए। शिखर धवन यानी कि गब्बर की बैटिंग और पृथ्वी शॉ की भी बैटिंग आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा। और वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि किस खिलाड़ी ने कैसा प्रदर्शन किया। तो पहले बैटिंग करने उतरे चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से ओपनिंग करने उतरे ऋतुराज गायकवाड़ और उनके साथ आए फाफ डू प्लेसिस, जहां 3 गेंदे खेलते हैं और कोई रन नहीं बना पाते हैं, तो वही ऋतुराज गायकवाड़ 8 गेंदे खेलते हैं और 5 रन ही बना पाते हैं, यानी कि सीएसके के ओपनर फ्लॉप रहे इस मैच में। इनके बाद आते हैं मोइन अली और सुरेश रैना, शानदार प्रदर्शन देते हैं। सुरेश रैना 8 शतक की पारी खेलते हैं और 36 गेंदों में 54 रन बनाते हैं, वहीं मोइन अली 24 गेंदों में 36 रन बनाते हैं। अंबाती रायडू 16 गेंदों में 23 रन, रविंद्र जडेजा 17 गेंदों में 26 रन और कप्तान एमएस धोनी इस मैच में कोई रन नहीं बना पाते हैं, 2 गेंदे खेलते हैं और आवेश खान के हाथों आउट हो जाते हैं। वह सैम करन 15 गेंदे खेलते हैं और 34 रन बनाते हैं, यानी कि शानदार और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हैं। अगर हम बात करें दिल्ली कैपिटल्स के बॉलर्स की, तो दिल्ली की ओर से क्रिस वॉक्स और आवेश खान ने 2-2 विकेट लिए, अश्विन और टॉम करन को 1-1 विकेट हासिल हुआ। अब बात करते हैं चेन्नई सुपर किंग्स के 188 रन के जवाब में खेलने उतरी दिल्ली कैपिटल्स की। दिल्ली कैपिटल्स ने 18.4 ओवर में यानी कि 19वें ओवर की चौथी गेंद में 190 रन 3 विकेट खोकर बना दिए। दिल्ली कैपिटल्स की ओर से ओपनिंग करने उतरते हैं पृथ्वी शॉ और शिखर धवन। पृथ्वी शॉ जहां 38 गेंदे खेलते हैं और 72 रन बनाते हैं, तो वहीं शिखर धवन 54 गेंदे खेलते हैं और 85 रन बनाते हैं। ऋषभ पंत 12 गेंदों में 15 रन बनाते हैं, मार्कस स्टोइनिस 9 गेंदों में 14 रन और सैमरन हेटमायर को 1 भी गेंद खेलने को नहीं मिलती है। बात करें अगर हम चेन्नई सुपर किंग्स के बॉलर्स की, तो चेन्नई की ओर से शार्दुल ठाकुर द्वारा 2 विकेट लिए अवश्य जाते हैं, लेकिन उनकी इकोनॉमी रेट भी 14.45 की होती है। उन्होंने 3.4 ओवर फेंके और 53 रन दिए। इनके अलावा ड्वेन ब्राव को भी 1 विकेट हासिल होता है और काफी किफायती गेंदबाजी भी करते हैं, और यूं कह सकते हैं कि सबसे किफायती गेंदबाजी ड्वेन ब्राव द्वारा ही की जाती है और इकोनॉमी रेट रहती है 7। तो इस प्रकार से हमने बात करी पूरे मैच की। ओवरऑल स्कोर की बात करें तो पहले बैटिंग करने उतरी चेन्नई सुपर किंग्स ने 7 विकेट खोकर 20 ओवर के अंदर 188 रन बनाए। जवाब में उतरी दिल्ली कैपिटल्स जीत के मूड में नजर आई। शुरुआत में ही ओपनिंग शानदार देखने को मिली और 18.4 ओवर में 3 विकेट खोकर 190 रन बनाकर इस मैच को 7 विकेट बचाते हुए जीत लिया। तो इस प्रकार से हमने पूरे मैच की बात कर ली है। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक अवश्य करिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में और एक और मैच के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।